अक्सर आपने देखा होगा कि दुल्हा ही बारात लेकर धूमधाम के साथ दुल्हन के घर जाता है। गया शहर में मंगलवार की शाम एक ऐसी बारात निकली जिसे देखकर लोग के कदम थम से गए हैं। वो एकाएक बारात और दुल्हन को निहारने लगे। ऐसा होता भी क्यों ना, बारात का जलवा ही कुछ अंदाज था। इस बारात में दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन ही घोड़ी पर सवार होकर पूरे जोश और बैंड बाजा के साथ निकल पड़ी थी। पूरी शानो शौकत के साथ दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। वहां से घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चली और पीछे से दूल्हा कार में सवार होकर विवाह मंडप तक पहुंचा। दुल्हन जो है वो इंडिगो एयरलाइंस की सीनियर एयर होस्टेज है, तो वही दूल्हा कोलकाता में बड़ा बिजनेसमैन है। खास बात यह भी है कि दुल्हन ने इस मौके पर जमकर डांस किया और लड़कों के अंदाज में सीटी भी बजाई। दरअसल गया के चांद चौरा इलाके की रहने वाली अनुष्का गृह की शादी कोलकाता के रहने वाले जीत मुखर्जी से हो रही है। शादी के सभी विधि विधान सिजुआर स्टेट की धर्मशाला में हो रहे हैं। शाम ढलते ही सिजुआर स्टेट भवन से कुछ ही दूरी पर दुल्हन को घोड़ी पर बिठाया गया और वो बारात बैंड बाजे के साथ निकल गई। आधा किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक होटल के पास पहुंची। वहां लड़की पक्ष का लड़का पक्ष की ओर से स्वागत किया गया। आगे बारात विवाह मंडप से जुआर एस्टेट के लिए निकल पड़ी। घोड़ी पर सवार दुल्हन आगे आगे, लड़का कार पर सवार होकर पीछे चल रहा था। बारात जब सिजुआर स्टेट पहुंची तो लड़की ने घोड़े से उतरकर जबरदस्त डांस किया। बता दें कि दुल्हन की मां अनुष्का ने बताया कि वो बहुत शहर के बड़े निजी स्कूल नाजरेथ एकेडमी की म्यूजिक टीचर है। उनका कहना है कि अनुष्का बचपन से कहती थी कि आखिर लड़का ही बारात लेकर क्यों जाता है, लड़की बारात लेकर क्यों नहीं जाती। उसके इस सवाल को हम जवाब देते थे लेकिन वो संतुष्ट नहीं होती थी। कहती थी हम भी बारात लेकर लड़के के घर जाएंगे। वही लड़के के पिता ने कहा कि समानता और हकदारी की बात जब होती है तो लड़की को भी बारात लेकर जाने की छूट देनी चाहिए। हमने अपनी बहू को यह दिया है और बहू बारात लेकर पहुंची। अच्छा, आज का शादी में क्या कुछ खास है? मतलब खास उसने कहा कि अच्छा मम्मा, हमेशा मतलब लड़के ही क्यों बारात निकालेंगे, बेटियां क्यों नहीं बारात निकाल सकती है। तो मैंने बोला ऐसा ही होता आया है, हमारी भी शादी ऐसी हुई, हमारी माँ की भी शादी ऐसी हुई है। तो वो बोली तो इसका कारण क्या है, कभी तुमने सोचा, कभी किसी से पूछा, तुमने अपने मम्मी से पूछा? बोले मैंने तो नहीं पूछा, जैसा हुआ वैसा किया, लेकिन मैं तो नहीं, मुझे बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकते, मैं तो घोड़े पे चढ़ूंगी। तो मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, चढ़ तू घोड़े पे। उसके पापा ने भी कहा क्यों नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी। बोले यस पापा, मैं चढ़ूंगी घोड़ा पे और मैं बारात लेके जाऊंगी। और मेरी बेटी भी बहुत लकी है कि उसके जो मतलब अभी तो हस्बैंड जो भी है पूरा सहयोग, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी होने वाली बीवी ऐसा सोच रही है, आगे मुझे भी बेटी होगी और उनको बेटी ही पसंद है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि मुझे बेटियाँ ही पसंद है, मेरी दो बेटियाँ हैं और मुझे इसका कभी कोई दिल में कुछ नहीं कि मेरा बेटा नहीं है, कुछ नहीं, कभी मुझे लगा ही नहीं। और मेरी बेटी ने मतलब मुझको कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया, मैं उसके चलते अभी सिर्फ हवाई जहाज़ पर ही चलती हूँ। मेरी बेटी मुझे हवाई जहाज, क्योंकि वो केबिन क्रू है, अभी वो 3 साल से इंडिगो में एयर होस्टेस है और अभी इस साल वो सीनियर केबिन क्रू हो गई है। तो वो इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, वो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत खुश हैं दोनों, उसके पापा भी। और इस पल का कितने दिन से इंतजार था? बहुत दिनों से कि ये क्या होने वाला है यहाँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ का हिस्ट्री कुछ बन रहा है। तो हम बहुत खुश हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, इवन हमारे फैमिली के लोग, उसके कजन्स सारे एक्साइटेड कि ऐसा होगा, मतलब वो लोग अब हम भी ऐसे करेंगे। किसी ने कहा अब मैं घोड़े पे चढ़ूंगी और मेरे साथ मेरे हस्बैंड पीछे घोड़े पे बैठेंगे। तो इस तरह से लड़की की एक मैसेज है, बेटी का यही है कि जब हम सब कुछ करने में सक्षम हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते हैं, हम भी बारात निकालेंगे। मुखर्जी पैसों सौ पूरा कम घोड़े पर बैठ जाएंगे।
कि हम लड़की जो है घोड़े पे चढ़ के आएगी, तो आपको पहले कैसा रिएक्शन था, क्या रिएक्ट आपने किया? नहीं, जैसा जीत ने एक्सप्लेन किया है, एक कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट, तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये सोसाइटी में खासतौर से आपके एज के जो लोग हैं वो आप उनसे डिस्कस करेंगे तो क्या कहेंगे, जो उनकी बच्चियों की अभी शादी होनी है, उस तरह का क्या मैसेज उनको देंगे अपने कलीग में, दोस्त में, यार में? उनको सही से एक्सप्लेन करेंगे तो किसी को भी ये एक्सेप्ट करना बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया इसी तरह मतलब डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, थैंक यू।